हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का मराठी सब्जेक्ट और उसका 15th चैप्टर माझे शिक्षक व संस्कार, जिसे लिखा है शंकर राव खरात ने। वो एक कथाकार है, कादंबरीकार है, लेखक है। मतलब अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज कथाकार, कादंबरीकार, लेखक। फिर भी मैं बता देती हूँ, कथाकार इज स्टोरी राइटर, कादंबरीकार नॉवल राइटर, लेखक एंड ऑथर। दलित चलवलित सक्रिय सहभाग, इन्होंने दलित मूवमेंट में भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तड़ी पार, सांगावा, आड़गांव, आड़गांव से पानी इत्यादि कथा संग्रह, ये जो है कुछ 3 बुक्स उनके स्टोरी कलेक्शंस हैं। झोपड़पट्टी, फुटपाथ नंबर 1, माझा गांव, ये सब जो है इनकी कादंबरियां यानी कि नॉवेल्स हैं। तराल अंतराल है आत्मचरित्र प्रसिद्ध है। तराल अंतराल नाम का एक ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखा है, ये काफी फेमस है। विद्यार्थी दशेत शिक्षकांकडून केल्या जाणाऱ्या संस्काराचे महत्व, यानी कि जब एक स्टूडेंट आप रहते हो तो उस वक्त आपके टीचर्स का आपके ऊपर कितना असर होता है, कितना कुछ सीखते हो आप आपके टीचर्स से, तो यही चीज यहाँ पे इस चैप्टर में लेखक ने बताया है। बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने बताया है, अपने हर एक टीचर के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो ये जो स्टोरी है मैं आपको डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी इसी वीडियो में। एक्सप्लेनेशन के बाद में जो स्वमत आंसर्स है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, क्योंकि काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम आप स्वमत के आंसर्स प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से मेरी रहती है वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं माझे शिक्षक व संस्कार। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है, टाइटल माझे शिक्षक व संस्कार, मैं इसके बारे में आपको बता दूं, व्हाट इज दिस, इनका इसका मतलब क्या होता है। माझे शिक्षक मीन्स मेरे टीचर्स, व संस्कार मतलब मेरे टीचर्स के वजह से मुझ में जो मैनर्स आए हैं, डिसिप्लिन आया है, वो संस्कार उसे कहेंगे, मैनर्स एंड डिसिप्लिन के लिए। मी माझी गावची शाळा सोडणार होतो। अब मी माझी गावची शाळा सोडणार होतो मतलब यहाँ पे जो लेखक है वो कह रहे हैं कि वो अपने गांव का स्कूल जो है छोड़ने वाला था। क्यों छोड़ने वाले थे? क्योंकि उनके गांव में स्कूल सिर्फ 4th स्टैंडर्ड तक ही थी और उनको आगे पढ़ाई करना था लेखक को, और आगे पढ़ने के लिए उन्हें किसी दूसरे गांव में जहां पर हायर स्टैंडर्ड की एजुकेशन अवेलेबल है वहां जाना था। तो पुढील शिक्षणासाठी औंध, यानी कि आगे की पढ़ाई के लिए वो कहाँ जाना चाहते थे? औंध, ये आपको कृति में आता है जो कि सातारा जिला में आता है, औंध गाव। येथील हाई स्कूल मध्ये जाण्याचा विचार करत होता। हाई स्कूल मतलब 5th ऑनवर्ड्स 5th से आगे, तो वहां पर जाने का ये विचार कर रहे थे। तसे माझे प्रयत्न ही चालू होते, और वैसे उनकी लेखक की कोशिश भी चालू थी कि उनको एडमिशन मिल जाए। त्यात यश मिळणार याची मला खात्री होती, और लेखक को ये भी पता था कि वो जरूर से सक्सेस होएंगे एडमिशन पाने में आगे की स्कूल में। म्हणूनच मी माझ्या शाळेतील एका शिक्षकाची भेट घेत होतो, और इसीलिए वो अपने स्कूल के एक टीचर से मिलने आए थे। भेट घेत होतो मीन्स टू मीट। त्यांचा सल्ला मार्गदर्शन मला मिळत होते, और उनका जो एडवाइस और गाइडेंस हमेशा ही लेखक को मिलता रहता था। और वो कौन थे? श्री हनुमतराव देशमुख, हे गावचेच रहिवासी। श्री हनुमतराव देशमुख कौन थे? गांव के ही रहिवासी थे, यानी उसी गांव के रहने वाले थे, और वो हमेशा ही लेखक को गाइड करते थे, एडवाइस करते थे। त्यांनी मला इंग्रजी तरथडकरांचे भाषांतर शिकवले। अब ये क्या है इंग्रजी तरथडकरांचे भाषांतर? इंग्रजी इज इंग्लिश, तरथडकर एक पोएट है, एक राइटर है, और उन्होंने जो है एक ट्रांसलेशन की बुक लिखी है, इंग्लिश मराठी टू इंग्लिश की ट्रांसलेशन की बुक लिखी है। तो उनकी बुक सिखाई है हनुमंतराव देशमुख ने लेखक को, क्या सिखाया है? इंग्रजी तरथडकरांचे भाषांतर शिकवले। भाषांतर दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करके लेते हैं वो। तो किसकी थी वो? तरथडकर की थी। ते तसे स्काउट मास्टर ही होते, यानी कि कौन थे स्काउट मास्टर? हनुमतराव देशमुख। स्काउट मास्टर आपने नाम सुना होगा, स्काउट एंड गाइड, जो एनसीसी होते हैं स्कूल्स में, जिनकी अलग यूनिफॉर्म भी होती है, जिनमें अलग अलग
टेक्निक सिखाई जाती है, हाइकिंग सिखाई जाती है, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है स्काउट में। तो हनुमत राव जो है वो स्काउट मास्टर भी थे। त्यांनी शाळेचे स्काउट पथक पक्क्या पायावर उभे केले होते। उन्होंने स्कूल के जो स्काउट ग्रुप्स होते हैं, पथक मतलब ग्रुप्स, तो उन्होंने उन स्काउट ग्रुप्स का फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग कर दिया था। मतलब इतने अच्छे तरीके से ट्रेन कर दिया था उन ग्रुप्स को। अभी ये तो हनुमंतराव देशमुख के बारे में होगा, यहाँ पे सभी टीचर्स के बारे में बताएंगे, तो आपको ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। वैसे टेक्सुअल क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, जोड़िया जुड़वा, ऐसा टीचर्स और उनके स्पेशलिटीज। तो हनुमत राव का हमने देखा है कि मार्गदर्शन मिलता रहता है और स्काउट मास्टर भी थे वो। अब दूसरे हैं हमारे श्री कात्रे मास्तरांनी मला चौथीच्या वर्गात गणित शिकवले। अब श्री कात्रे मास्तर जो है, इन्होंने फोर्थ स्टैंडर्ड में मैथ्स सिखाया था, मैथमेटिक्स सिखाया था। अंक गणिता सारखा अवघड विषय त्यांनी सोप्या करून शिकवला। अब अंक गणित यानी कि एल्जेब्रा हम बोल सकते हैं, नंबर गेम्स, तो वो एक उसके लिए, लेखक के लिए उस वक्त डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, और उस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को कात्रे मास्तर ने एकदम इजी करके सिखाया था। आमचे कात्रे मास्तर अंगाने सड़ पातळ, और ये कात्रे मास्तर का अभी ये बता रहे लुक्स, कैसा लुक देते, एकदम बॉडी वाइज तो एकदम पतले थे। दम्याच्या विकाराने त्यांना कधी कधी त्रास व्हायचा। दम्याच्या विकाराने मतलब उनको, विकार मतलब एक डिजीज, और दमा यानी अस्थमा, अस्थमा की डिजीज उनको थी, और कभी कभी उसके वजह से उनको काफी तकलीफ भी होती थी। कात्रे मास्तरांच्या घरी माझे वडील लाकडं फोडायला जायचे, और कात्रे मास्तर के घर पे मेरे फादर जो है यानी लेखक के फादर क्या करने के लिए जाते थे, क्या काम करते थे, लकड़ी तोड़ने का काम। पहले गाँव में जो फ्यूल के गैस होते थे, किस तरह से वो लकड़ी के गैस वगैरह बनाते थे, तो लकड़ी तोड़ने का काम काफी चलता था घरों में, बड़े बड़े घरों में लकड़ी तोड़ा के काम के लिए लोग आते रहते थे। श्री गोळी वडेकर मास्तर मला मराठी पाचवीत होते। अब ये मराठी पाचवीत क्या है, मराठी पाचवीत यानी फिफ्थ स्टैंडर्ड नहीं, मराठी की फिफ्थ ऐसा बुक लिखा हुआ होता है जो थर्ड स्टैंडर्ड में होता है नॉर्मली, हायर लेवल मराठी 5 उस टाइप की बुक। तो ये जो गोळी वडेकर मास्तर थे जो उनको मराठी पढ़ाते थे, पांचवी की मराठी, ते इतिहास भूगोल शिकवायचे, और वो क्या सिखाते थे, बेसिकली हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते थे। और उसमें उन्होंने जो पहली की इंग्रेजी थी यानी कि वो इंग्लिश की बुक जिस पे 1 लिखा हुआ था, वो इंग्रेजी बुक जो है तरथड़ करांचे पहले भाषांतर शिकवायचे। मतलब वो फर्स्ट बुक में जो ट्रांसलेशन होता था तरथड़ कर का, वो सिखाते थे। श्री गोळी वडेकर खरे शेतीतज्ञ होते। ये गोळी वडेकर मास्टर जो है एक्चुअल में एक एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट टीचर भी बोल सकते हैं वो थे। शाळेच्या बागा करण्यातच त्यांचं अर्ध लक्ष असे। एक्चुअली उनका आधे से ज्यादा ध्यान तो स्कूल के जो गार्डन्स होते थे उनको डेव्हलप करने में ही लग जाता था। त्यात त्यांचा व माझा जवळचा परिचय झाला, और इसी काम में, ये जो एग्रीकल्चरल फील्ड को तैयार करने का काम था स्कूल का, उसमें मेरा और इन मास्टर का, गोळी वडेकर मास्टर का, बहुत अच्छे से परिचय हो गया, जान पहचान हो गई। त्याचं कारण और ये क्यों हुई, उसका रीजन क्या है, शाळेच्या बागा आमच्या सारख्या मुलांच्या जीवावरच तर उभ्या होत, क्योंकि जो स्कूल के जो गार्डन्स थे वो हम जैसे बच्चों की मेहनत के वजह से ही तो वो खड़े थे। मतलब हम बच्चे जो मेहनत करते थे उन गार्डन्स को वाटर देने के लिए, या उनका डिगिंग वगैरह जो भी काम करने के लिए, हम लोग जो मेहनत करते थे उसी के वजह से आज ये गार्डन इतने फल फूल रहे थे। आम्ही मुला वयाना तसच हाडान, हाडा पिंडाने मोठाड, अभी ये बच्चे बोल रहे हैं आम्ही मुला वयान, मतलब एज वाइज तो हम छोटे थे, लेकिन हम वेट बॉडी वाइज बहुत हट्टे कट्टे मोटे थे। मोठाड मतलब अच्छे हट्टे कट्टे थे। कष्टाच्या कामाला कणखर, और मेहनत का काम करने के लिए हम हमेशा स्ट्रांगली खड़े रहते थे। कणखर मतलब स्ट्रांग, हम मेहनती थे, स्ट्रांग दिखते थे, और हमेशा मेहनत का काम करने में आगे रहते थे। शाळेचे गावच्या ओढ्याकाठची बाग ही खरे तर आम्हा मुलांच्या जीवावर चांगली फुललेली उभी असे। अब हमारे स्कूल के जिस गांव में हमारे स्कूल थे वहां पर रिवर के पास में एक बाग हमने बना रखा था, जो बहुत ही, हम बच्चों की वजह से ही वो बहुत ही अच्छी तरह से फला फूला हुआ था बाग। और वो कैसे, क्योंकि इस बाग में जो, इस बाग के पास में जो वेल है, कुआं है, वहां से हम 2-2 घंटे तक रस्सी से, रहाटे ने मीन्स रस्सी, जूट की रस्सी जो होती है, पानी खींचकर निकालते थे वहां से, आणि बागेतल्या फल झाडांना आम्ही देत असू, और वो पानी हम हमारे बाग के फूल झाड़ों को, फल झाड़ों को देते थे।
ती फूल झाड़ फल झाड़ तरारू नो भी राहत होती, और उसी वजह से वो फूल झाड़ और फल झाड़ एकदम स्ट्रेट खड़ी थी। त्यामुळे श्री गोळी वड़ेकर मास्तर आमच्यावर प्रेम करायचे, और इसी वजह से श्री गोळी वड़ेकर मास्टर जो है हमें बहुत प्यार करते थे। बागेतील जमीन कुदळी टिकावाने खांदावायाची, त्याचे वाफे करायचे, बंद घालायचे, अशी सगळी कष्टाची कामे आम्ही मुलं करत असू। तो हम बच्चे क्या क्या काम करते थे? जमीन को डिक करते थे, खांदवायची मतलब डिक करना। कैसे, किससे डिक करना? कुदळी और टिकाव, ये दो डिगिंग टूल्स है। कुदळी यानी कि हम बोल सकते हैं पेड़, और टिकाव यानी पिक एक्स। तो ये दो खोदने के टूल्स हैं, उनसे हम खोदते थे जमीन को, त्याचे वाफे करायचे। वाफे करना यानी कॉलम्स बनाना। आप खेती कभी भी देखते हो ना, स्क्वायर्स जैसे ऐसे बनाए हुए रहते हैं, तो वो वाफे उसको बोलते हैं, उसके हम वाफे करते थे। बंद घालायचे, बंद घालायचे यानी बंड्स, बॉर्डर एरियाज बनाना। अशी सगळी कष्टाची कामे आम्ही मुलं करत असू, और ये सारी मेहनत की काम हम बच्चे करते थे। हेडमास्टर श्री नाईक मास्तर यांच्या शाळेत दरारा असे। जो हमारे हेडमास्टर थे श्री नाईक, इनका स्कूल में काफी दमखम था। दरारा असे मतलब काफी दमखम था, बच्चे डरते थे उनसे। तसे ते शिस्तीचे कड़े भोगते, और वो डिसिप्लिनरी काफी थे, काफी डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले थे। या शिस्त प्रिय हेडमास्तरांनी माझ्या शाळेला चांगली शिस्त शलावली। और ये जो शिस्त प्रिय हेडमास्टर है यानी कि श्री नाईक, इन्होंने तो मेरे स्कूल में अच्छे ही एकदम डिसिप्लिन लेकर आ गए। शाळेची दुसरी घंटा होताच ते हातात छडी घेऊन शाळेच्या दारात थांबत, अशा शिस्तीनं मग कोण उशीर येईल असा त्यांचा दरारा। मतलब क्या होता था, जब स्कूल की सेकंड बेल जब बजती थी तो वो छड़ी लेकर दरवाजे पे गेट के पास खड़े हो जाते थे, यानी कि जो भी कोई लेट आता था उसको छड़ी मिलती थी, यानी मार मिलती थी। तो ऐसे टाइम पर जब वो छड़ी लेकर हेडमास्टर खड़े हो जाते थे तो कौन लेट आने की हिम्मत करेगा, सवाल ही नहीं है। ऐसा उनका डर था लोग बच्चों के अंदर। तो सब टाइम पे आ जाते थे तो ऐसे ही डिसिप्लिन मेंटेन हो जाती थी। श्री नाईक है मला इंग्रजी चौथीत इंग्रजी आणि इतिहास शिकवत। अब ये इंग्रजी चौथीत यानी कि जो बुक है इंग्लिश की उस पर जो फोर लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर ऑफ बुक, तो वो बुक जो है वो पढ़ाते थे श्री नाईक सर। और वो इंग्लिश और हिस्ट्री ये दोनों ही सब्जेक्ट सिखाते थे। त्यात इंग्रजी चे रेन मार्टिन चे ते ग्रामर आवडीने शिकवत, और इंग्लिश में स्पेशली रेन एंड मार्टिन एक ग्रामर बुक है, आप सभी को पता होगी। वो ग्रामर बुक तो वो एकदम बहुत ही प्यार से सिखाते थे। ते सदा न कदा विद्यार्थ्यांना समुपदेश करत, और हमेशा जब देखो तब या जैसे ही समय मिला वैसे वो बच्चों को हमेशा उपदेश दिया करते थे। मतलब एक उनको आप बोल सकते हो कि गाइडेंस देते थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। श्री रायगावकर मास्तरांसारखे ते कधीही इतर सार्वजनिक कार्यात पडत नसत। अब ये श्री रायगाव मास्टर भी थे, वो भी हेडमास्टर थे, लेकिन ये हेडमास्टर जो थे ना वो दूसरे कामकाज में सोशल वर्क में भी काफी एक्टिव थे, लेकिन ये जो नाईक सर थे वो सोशल वर्क में एक्टिव नहीं थे। वो जो है रायगावकर मास्टर के तरह दूसरे सार्वजनिक चीजों में बातों में कभी भी ध्यान नहीं देते थे, उन मसलों में पढ़ते भी नहीं थे। आपण बरं आणि आपली शाळा बरी, उनका यही मानना था कि हम भले और हमारी स्कूल भली, हेच त्यांचं कार्य, यही उनका काम था। त्यामुळे त्यांनी शाळेला शिस्त आणली, और इसी वजह से वो स्कूल में डिसिप्लिन ला पाए आणि परीक्षेच्या निकालाच्या दृष्टीने त्यांनी शाळेची चांगली प्रगती केली। और अगर हम रिजल्ट के हिसाब से बात करें तो स्कूल के रिजल्ट बहुत अच्छे आने लग गए उनके आने की वजह से। तो बहुत ही अच्छी तरीके से स्कूल ने प्रोग्रेस किया उनके टाइम पीरियड में। औंधला शिकायला जाणार म्हणून मी श्री नाईक मास्तरांकडे भेटलो। अब क्योंकि मैं औंध जाने वाला हूँ पढ़ने के लिए, इसीलिए मैं नाईक मास्टर के पास मिलने के लिए गया। त्यांनी मला योग्य असं मार्गदर्शन केले, और उन्होंने मुझे अच्छा मार्गदर्शन भी किया। शाळेत असतानाही त्यांचं माझ्यावर लक्ष होतं। ये तो अब मैं जाने वाला हूँ इसलिए उन्होंने मेरा गाइडेंस किया है, मुझे गाइडेंस दिया है, लेकिन जब मैं स्कूल में था तभी भी उनका मुझ पर ध्यान रहता था। शिस्तीच्या दृष्टीने कसं वागावे, मतलब डिसिप्लिन के हिसाब से कैसे रहना चाहिए, जीवनात आपली प्रगती कशी करून घ्यावी, अपना प्रोग्रेस कैसे करके लेने का लाइफ में, या बाबतीत त्यांनी केलेला हितोपदेश मी कधीच विसरू शकत नाही। और इन्हीं सब मामलों में, मतलब कि किस तरह से डिसिप्लिन में रहने का, किस तरह से अपने लाइफ में आगे बढ़ने का,
इन्हीं मामलों में उन्होंने जो मोटिवेशनल स्पीच दिया था, हितोपदेश मतलब मोटिवेशनल टॉक, वो जो दिया था वो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। श्री रायगावकर देशपांडे या शिक्षकांनी तर मला संस्कार दृष्ट्या फारच उपकृत करून ठेवले आहे। अब याने की ये बोल रहे हैं कि श्री रायगावकर ये सर, देशपांडे सर, ये दोनों ही टीचर्स ने तो मुझे संस्कार दृष्टि में, यानी कि अगर डिसिप्लिन या मैनर्स की दृष्टि में देखा जाए तो उन्होंने मुझ पर बहुत ज्यादा एहसान किए हैं, मुझे बहुत सारी बातें सिखाकर। कसे ते एक दोन प्रसंग ये थे, उद्धृत करून स्पष्ट कर दो। और कैसे उन्होंने मुझ पर यह उपकार किया है, क्या मुझे सिखाया है जिसके वजह से मुझ पर यह उपकार हुआ है, वो बातें मैं आपको यहाँ पे एक दो इंसिडेंट्स मेरे बताकर क्लीन एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। कुश्ती सारखा खेळात सुद्धा जात पात मानली जात असे। अब ये बोल रहा है कि कुश्ती जैसा जो खेल है रेसलिंग, इसमें भी जात पात मानने लग गए थे उस वक्त। आमच्या गावातही आम्हा मुलांसाठी वेगळी तालीम होती। और वो लेखक कहते हैं कि हमारे गांव में भी हम बच्चों के लिए अलग से स्कूल होती थी, ये तालीम लेने के लिए, ये सीखने के लिए। अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो लेखक जो है वो बैकवर्ड क्लास से है। लहानपणी मी बऱ्यापैकी कुश्त्या करत असे। अब ये लेखक जो है जब छोटे थे तब वो काफी कुश्ती करते थे। हंगामात कुश्त्या करून मी कधी खोबरे तर कधी नारळ तर कधी एखाद्या रुपयापर्यंत इनामे मिळवली आहेत। हंगामा मतलब जब सीजन होता है दंगल का, जब फाइट्स होती है, बाउट्स लड़े जाते हैं, तो उस वक्त तो मैं बहुत सारी कुश्तियां करता था हंगामे में और मैं जीतता था। और क्या क्या जीता है लेखक ने, खोबरे यानी कि कोकोनट, नारल इसको भी, ये भी कोकोनट ही हो गया। तर कभी एखाद्या रुपयापर्यंत इनामे, तो कभी कभी एक एक रुपया इनाम भी मिल जाता था। एक पटका सुद्धा एकदा मिला लिया छे आठवते, और उसको एक बार एक पटका भी मिला है एज अ गिफ्ट, ये उसको लेखक को ऐसे याद आ रहा है ना। व्हाट इज पटका, पटका इज हेड गेयर, जो हम पगड़ी बोलते हैं वो। असाच बाहर गावी मी कुश्त्यांच्या फड पाहायला गेलो होतो। तो एक दिन ऐसे ही मैं बाहर गांव गया था कुश्ती का ये मैच देखने के लिए, फड़ मतलब ये मैच देखने के लिए। जो कुश्ती का मैच होता है ना रिंग में होता है ना चारों तरफ, ये तो आपने देखा ही होगा रेसलिंग मैच कैसे रिंग में होता है। और वो मैच जो है जिस एरिया में खेला जाता है रिंग के अंदर उसे फड़ कहते हैं। तेथे एका थोराड मुलाला याला जोड़ म्हणून फड़ाड फड़ात फिरवत होतो। और वहां पर जो है एक थोराड मतलब अच्छा हट्टा कट्टा लड़का, उसको जो है घूम रहा था वो, उसको लेकर एक आदमी घूम रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था याला जोड़ याला जोड़। याला जोड़ याला जोड़ मतलब इस लड़के के साथ कौन मुकाबला करेगा आगे आओ, इस लड़के के साथ कौन मुकाबला करेगा आगे आओ, कौन इसका मुकाबला कर सकता है, मतलब वो कहना चाह रहे हैं। दोन राउंड मारू नहीं त्याला कुणी जोड़ उभा राहिला नाही, उस लड़के ने दो राउंड मार लिया उस रिंग का फड़ का, लेकिन फिर भी कोई सामने आया नहीं उससे लड़ने के लिए। तेव्हा आमच्यातला एक म्हणाला, शंकर्या उठतोस का, धरतोस का कुस्ती त्या गड़िया बरोबर। तो उतने में हमारे अंदर, हम जो जितने लोग आए थे बाहर गांव यहाँ पे, उनमें से एक लड़के ने कहा कि शंकर्या, इनका नाम शंकर राव है ना, तो उनको अब बचपन में नाम से पूरा थोड़ी बुलाते थे, ऐसे ही हाफ हाफ नाम करके शंकर्या बिंकर्या ऐसे करके नाम बुलाते थे। तो शंकर्या करके उसने लड़के ने बोला कि तू क्यों नहीं जाता है उसको, वो तो दिख रहा है एकदम गड़िया दिख रहा है, गधे जैसा दिख रहा है, तू आराम से हरा देगा उसको, हरा दे उसको, धरतो उसका कुश्ती त्या गड़िया बरोबर, मतलब वो बेवकूफ के साथ करेगा क्या तू कुश्ती। मी हाँ हाँ म्हणून मैदानात गेलो, तो मैंने हाँ हाँ करूंगा करूंगा बोल के मैं मैदान में चला गया वहां पर, आणि लड़त करण्याची तयारी दर्शवली और लड़ने की एकदम तयारी बता दी कि हाँ मैं एकदम तयार हूं लड़ूंगा, पण मला कोणीतरी ओळखले आणि हटकले, लेकिन किसी ने तो भी मुझे पहचान लिया और मुझे वहां से निकाल दिया। अब पहचान लिया मतलब वो बैकवर्ड क्लास का था इसलिए पहचान लिया, अब बैकवर्ड क्लास का है इसके लिए उसके साथ कुश्ती भी नहीं लड़ी जाएगी, नहीं लड़ी जाएगी। तो दिस वॉज वेरी बैड एंड वेरी सैड कि लोग स्किल्स के मुकाबले कास्ट पे ज्यादा यकीन रखते हैं, बहुत बुरा था वो चीज। तो उससे लेखक जो है काफी एकदम उदास हो गए थे। मैं हिरमुसला हूं मतलब मैं एकदम उदास सा हो गया था, माघारी गेलो मतलब पीछे हट गया एकदम उदास होकर। हा प्रसंग माझ्या मनाला लागला हे ओळखून रायगावकरांनी माझी समजूत घातली।
अब जब ये जो इंसिडेंस है मेरे मन को काफी लग गया था, जब रायगांवकर सर को ये पता चला कि मुझे बहुत बुरा लगा है इस इंसिडेंस के बारे में, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने क्या कहा, अरे समाज अजू निद्रिस्ता है। वो कह रहे हैं कि समाज अभी भी सोया हुआ है, निद्रिस्त मतलब स्लीप में है। खेलात मैदाना जात न पाता कौशल्य पहावे, क्योंकि खेलों में कभी भी जात नहीं देखी जाती है, वहां पर देखा जाता है स्किल, कौशल्य, स्किल। हे अर्जुन त्याला नीट समझ ले नाही। त्याला मतलब किसको, समाज को। ये अभी तक समाज को ये बात समझ में नहीं आई है कि स्किल देखना है, कोई जात नहीं देखनी है किसी की। पर एक दिवस ऐसा येईल कि हे सारे नष्ट होईल। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब जो गलत सिस्टम चल रहा है वो एकदम नष्ट हो जाएगा। तुम्हाला ही खेलत स्पर्धेत मानाने बोलावले जाईल, तुमको भी खेलों में कॉम्पिटिशन्स में सम्मान के साथ बुलाया जाएगा। असाच एक दूसरा प्रसंग, यानी कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया देखो रायगांवकर सर ने। अब ऐसा ही एक दूसरा इंसिडेंट है। शिमग्याच्या धुडवळीचा आमच्या वस्तीतील प्रौढ वर्गात तमाशाचा फड उभा राहिला। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। ये होली का टाइम है और ये लोग जो है धूलवड़ी यानी कि धूल मिट्टी से होली खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर धूल मिट्टी फेंकते हैं। तो उस वक्त जो है, जब होली का टाइम था, उस वक्त जो है प्रौढ़ क्लास चल रहा था। प्रौढ़ क्लास मतलब एडल्ट एजुकेशन, जो बड़े लोगों को पढ़ाने के क्लास चालू रहते थे वो। तो शिमग्याच्या धुडवळीला आमच्या वस्तीतील, वस्ती मतलब हमारे जो गांव है, हमारे जो इलाका एरिया है, वहां के प्रौढ़ वर्गात, प्रौढ़ वर्गात मतलब एडल्ट लोगों के लिए जो क्लासरूम है बड़े लोगों के लिए, तमाशाचा फड उभा राहिला। तमाशा मतलब जो फोक आर्ट वगैरह करते हैं, म्यूजिकल आर्ट वगैरह करते हैं, घूम घूम कर जो तमाशा दिखाते हैं, नाच गाते हैं गानों पे वगैरह। तो वहां पर वो एक वैसा स्टेज बना दिया था तमाशे के जैसा, वो भी किसमें, एडल्ट के क्लास में, एडल्ट एजुकेशन क्लास में। त्या दिवशी प्रौढ़ साक्षरतेचा वर्ग बंद होता। उस दिन ये एडल्ट एजुकेशन क्लास जो है बंद थी, क्योंकि होली का समय था इसलिए छुट्टी थी। पण रायगांवकर मास्तरांना त्यांच्या कल्पना नसल्याने ते नेहमीप्रमाणे वर्गाला भेट द्यायला आले। लेकिन रायगांवकर सर को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि आज छुट्टी का दिन है, और वो रोज की तरह एक उस दिन भी एडल्ट लोगों का क्लास लेने के लिए आ गए थे। प्रौढ़ वर्गाच्या कंदिलाच्या प्रकाशात तमाशा चालला होता, और ये जो प्रौढ़ लोगों का जो क्लासरूम था वहां पर एकदम डिम लाइट में, कैंडल के डिम लाइट में ये तमाशा जो है मतलब म्यूजिकल प्ले जो है चल रहा था। ते पाहून रायगांवकर चटकन परत फिर ले, ये देखकर रायगांवकर सर जो है वापस से टर्न हो गए, जाने लग गए उल्टे। त्यांना पाहताच मी त्यांना आडवा गेलो, उनको देखकर मैं उनके सामने गया, माझी मान खाली झाली और मैंने अपना सर झुका लिया। ते पाहून मास्टर म्हणाले, तो वो देखकर मास्टर क्या बोले, अरे आज धूलिवंदन हे चालायचेच, आणि मास्टर तसेच वाटेला गेले। तो मास्टर को लगा ना कि मुझे शर्म आ रही है करके, तो मास्टर ने क्या बोला कि अरे आज तो धूलिवंदन है, यानी आज तो होली है, तो ये तो आज होने वाला ही है। तो और ये बोलकर मास्टर वहां से निकल गए, वो आगे अपने रास्ते के हिसाब से चले गए। मग मास्टर मला दूसरा दिवसी बोलले, फिर दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया, शंकर तू है ध्यानात ठेव, मतलब वो कह रहे हैं शंकर कि तू इस बात को ध्यान में रख, जिथ प्रौढ़ साक्षरतेचा वर्ग चालतो तुम्ही अभ्यास करता त्या विद्येच्या मंदिरात तमाशा कसा उभा। बहुत ही सिंपल सी बात कही है कि जहां पर ये जो क्लास चलती है एडल्ट एजुकेशन की, जहां पर तुम पढ़ाई करते हो, जहां पर विद्या का मंदिर है, वहां पर तुमने ये तमाशा कैसे कर दिया खड़ा, यानी उस जगह पे ये तमाशा नहीं होना चाहिए। उनके कहने का मतलब ये है कि वो पढ़ने की जगह है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, तमाशा करना है तो गांव के बाहर करो, क्लास के बाहर करो, बहुत सारी जगह है करने के लिए, क्लासरूम में क्यों। तो ये चीज उन्हें अच्छी नहीं लगी, तो ये उन्होंने उस दिन नहीं कहा, पहले दिन, दूसरे दिन उसको बुलाकर समझाया, क्योंकि वो पहले दिन उन लोगों का मजा किरकिरा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोग्राम चालू हो चुका था। सरांनी मला केलेला हा उपदेश मी कधीच विसरू शकत नव्हतो, तो सर ने ये जो उपदेश मुझे दिया था, जो एडवाइस मुझे दी थी, ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगा लाइफ में, कि एजुकेशन के जगह पे सिर्फ एजुकेशन होना चाहिए और कुछ नहीं। तो ये जो दो बातें हैं यहाँ पे, एक तो उन रेसलिंग बाउट में उनके साथ हुआ था, उनके कास्ट की वजह से उनको खेला नहीं गया था, खिलाया नहीं उनको, और दूसरे में जो है यहाँ पर जो उन्होंने एडल्ट क्लास के रूम में तमाशा किया था, उसके ऊपर उन्होंने रायगांवकर सर ने बताया है। तो ये चैप्टर तो मेरा यहाँ पे खत्म हो गया है। अब मैं सीधे चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अब ये जोड़िया जुड़वा है,
श्री नायक, श्री नायक कौन है? समुपदेशक आणि शिस्तप्रिय. श्री देशमुख स्काउट गाइड अध्यापन तज्ञ. श्री गोळीवडेकर शेती तज्ञ. श्री कात्रे गणित अध्यापन तज्ञ. ये जो क्वेश्चन है वो आपका है कि लेखकांनी आणि त्यांच्या मित्रांनी केलेले कष्टाचे काम. तो क्या क्या कष्ट के काम किए थे लेखक ने और उनके दोस्तों ने? विहिरीचे पाणी रहाटेने ओढणे व बागेतल्या फूल झाडांना व फल झाडांना देणे, है ना. वेल में से पानी उन्होंने रस्सी से खींचा और बाग के जितने भी फूल झाड़ है, फल झाड़ है, उन सबको दिया. बागेतले जमीन कुदड़ी फावड़िया ने खांदवणे, और बाग की जो जमीन है उन्होंने कुदड़ी और फावड़ा इससे खोदा. वाफे तैयार केले व बांध घालणे. वाफे भी तैयार किया और बांध भी घाला. ये सब काम उन्होंने किया था, मेहनत का काम. किसने? लेखक ने और उनके दोस्तों ने. अब हमारा है आकृति पूर्ण करा. तो सबसे पहला है हमारा बाग खांद्याची दोन औजारे, मतलब बाग को खोदने के लिए दो टूल्स. तो उसमें पहला है कुदड़, दूसरा है टिकाव. नीचे आंसर्स दे हैं, मैं आप स्पेलिंग्स चेक कर लेना बाद में. तो कुदड़ और टिकाव, ये टेक्स्ट बुक में मैंने आपको बताया भी था जब रीड करने के टाइम पे. इंग्रजी तरथड़करण चे भाषांतर शिकवणारे दोन शिक्षक. तो यहाँ पे दो टीचर्स हैं जो उन्होंने ये तरथड़ करके भाषांतर सिखाया, ट्रांसलेशन सिखाया है. एक है हनुमतराव देशमुख और दूसरे हैं श्री गोळीवडेकर. अब चौकटी पूर्ण करा. पुढील शिक्षणांसाठी लेखक येथे जाणार होते. कहाँ पर जाने वाले थे? औंध, जो कि जिल्हा सातारा में है. या मास्तरांच्या घरी लेखकांचे वडील लाकडे फोडायचे. कात्रे मास्तर, यहाँ पे कात्रे मास्तर आएगा. शिस्तीचे कडे भोगते, शिस्तीचे कडे भोगते कौन है? हेडमास्टर श्री नाईक. सार्वजनिक कार्यात पडणारे शिक्षक, जो सार्वजनिक कार्यक्रम में पढ़ते थे शिक्षक, वो श्री रायगावकर. गोळीवडेकर शिक्षक हे दोन विषय शिकवत. गोळीवडेकर शिक्षक कौन से दो सब्जेक्ट सिखाते थे? इतिहास व भूगोल. उतारातील लेखकाची स्वभाव वैशिष्ट्ये, नम्रता व कष्टाच्या कामाला कणखर. कात्रे मास्तरांची अंगकाठी व आजार, सडपातळ दमा. तो अंगकाठी मतलब कैसे थे? सडपातळ थे. और क्या आजार था उनको, क्या बीमारी थी? दमा. तो ये आंसर्स यहाँ पे हैं, आप देख लीजिए स्पेलिंग्स अगर आप चेक करना चाहो तो. चौकोनातील विरुद्धार्थी शब्दांच्या जोड़िया शोधा. अब यहाँ पे ये वर्ड्स कुछ दिए हुए हैं, इनके ऑपोजिट वर्ड्स की जोड़िया हमें लगानी है. आगे मैंने आंसर में दिया है, वो आपको मैं बता दूंगी. पुढील शब्दांचे प्रतिशब्द उतारातून शोधून लिहा. अब ये जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग वाले वर्ड्स आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे. तो उद्यान, उद्यान मतलब बाग, आपको बाग वर्ड टेक्स्ट बुक में मिलेगा. ओळख, ओळख मतलब परिचय, परिचय वर्ड भी आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा. अनुवाद, अनुवाद यानी भाषांतर. मास्तर, मास्तर यानी शिक्षक. अभी तख्ता पूर्ण करा एक वचन और अनेक वचन का. यहाँ पे आपका आ जाएगा वाफा, वाफे, वाफा. यहाँ पर है काम, कामे. बाग, बागा. लाकुड़, लाकड़े. पुढील वाक्यातील नामे शोधून लिहा. ये वाक्य है और इसमें से हमें नाम बताना है. नाम यानी नाउन. बागेतल्या विहिरीचे पाणी दोन दोन तास रहाटेने ओढून फूल झाडांना फल झाडांना घालत असू. तो इसमें हमारे क्या क्या नाम है? एक तो आ गया बाग, फिर दूसरा है विहिर, पानी, फिर तास, फिर रहाट, फूल झाड़, फल झाड़. ये इतने सारे यहाँ पे आपके नाउन्स हैं. मैं वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ. बाग, विहिर, पानी, फिर रहाट, फूल झाड़, फल झाड़. लिंग ओळखा. लिंग में सबसे पहला है पानी. पानी इज नपुसकलिंग. शाळा, शाळा इज स्त्रीलिंग. ओढ़ा, ओढ़ा इज पुल्लिंग. आणि कुदड़, कुदड़ इज स्त्रीलिंग. ये मैंने आपको बताया थे ऑपोजिट्स. पुढ़िल, मागिल. खात्री, शंका. प्रगति, अधोगति. खरे, खोटे. पक्का, कच्चा. अवघड़, सोपे. बरे, वाइट. यश, अपयश. ये आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो. और ये चीज मैंने आपको बता दी, आप स्पेलिंग्स चेक कर लीजिए. अब आते हैं हमारे स्वमत. शाळेच्या बागा लेखकांसारख्या मुलांच्या जीवावर उभ्या होत्या. अब स्कूल के जो गार्डन्स है वो लेखक जैसे बच्चों के ऊपर ही टिके हुए थे. वो कैसे अपन एक्सप्लेन करेंगे? श्री गोळीवडेकर मास्तर हे शेतीतज्ञ होते. ये गोळीवडेकर मास्तर जो है वो शेतीतज्ञ थे, यानी कि एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट. त्यांना शाळेच्या बागा करणे आवडायचे. उनको स्कूल के गार्डन्स बहुत उन पर काम करने को बहुत अच्छा लगता था.
लेखकांची व त्यांची जवळची ओळख होती। वो उनका और लेखक का बहुत ही अच्छा रिलेशन था। लेखक व त्यांचे मित्र हाडापिंडाने मोठे व बळकट होते। लेखक और उनके जो फ्रेंड्स थे वो बॉडी वाइज काफ़ी हट्टे कट्टे थे और स्ट्रांग थे, बळकट यानी स्ट्रांग थे। कष्टाच्या कामाला ते मजबूत होते, मेहनत के काम के लिए वो स्ट्रांग थे। ही मुले विहिरीचे पाणी दोन दोन तास रहाटेने ओढून बागेतल्या फुलझाडांना व फलझाडांना घालत असत। ये बच्चे जो है वेल का पानी जो है दो दो घंटे तक रस्सी से निकालते थे और बाग के जितने भी फूल झाड़ फल झाड़ है उनको देते थे। बागेतली जमीन कुदल टिकावाने खणत असत और बाग की जो जमीन थी वो कुदल और टिकाव इन चीजों से डिग करते रहते थे, खणते रहते थे, मतलब डिग करते रहते थे। वाफे करीत एक कॉलम बनाते थे, बांध घालत यानी कि बंड्स बनाते थे। मुलांच्या या मेहनतीमुळे ओढ्या काठची बाग तरारून उठली और बच्चों के इसी मेहनत के वजह से जो नदी किनारे का जो बाग था बच्चों का स्कूल का वो एकदम तरारून उठ गए, एकदम फ्रेश यंग खड़ा था। म्हणून शाळेच्या बागा लेखकांसारख्या मुलांच्या जीवावर उभ्या होत्या असे लेखक म्हणतात। इसीलिए लेखक कहते हैं कि स्कूल के जो गार्डन्स थे वो लेखक जैसे बच्चों के ऊपर ही अच्छे टिके हुए थे। लेखक सातारा जिल्ह्यातील औंधला जायच्या विचारत होता। अभी लेखक सातारा जिल्हा के औंध में जाने के बारे में क्यों सोच रहे थे? लेखकांच्या गावची शाळा फक्त चौथी पर्यंत होती। लेखक की जो गाँव की स्कूल थी वो सिर्फ फोर्थ स्टैंडर्ड तक थी। गाँवच्या शाळेत त्यांच्यावर खूप चांगले संस्कार झाले आहे और स्कूल के वजह से बहुत अच्छे डिसिप्लिनरी मैनर्स उनके अंदर आए हुए थे। या पुढचे शिक्षण घेण्यासाठी त्यांना हायस्कूल मध्ये प्रवेश घेणे महत्त्वाचे होते और अब यहाँ से आगे पढ़ाई करने के लिए हायस्कूल में एडमिशन मिलना उनके लिए जरूरी था, इम्पॉर्टेंट था। गावात हायस्कूल नव्हते और उनके गाँव में हायस्कूल नहीं था। जवळच्या औंध या सातारा जिल्ह्यातील ठिकाणी हायस्कूल होते। अब जो औंध था वो वहाँ पर सातारा जिल्हा में जो औंध था वहाँ पर हायस्कूल था। तिथे पाचवीत दाखल व्हावे और वहाँ पर वो जाके फिफ्थ स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते थे। म्हणून लेखक औंधला जायच्या विचारत होते और इसीलिए वो औंध जाना चाहते थे। या त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळेल याना त्यांची खात्री होती और ये जो वो कोशिश कर रहे हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने के लिए औंध विलेज में उसमें उनको सक्सेस मिलेगी इस बात की भी उनको पूरा यकीन था। तरीही शाळेतील हनुमंतराव देशमुख या शिक्षकांचा सल्ला घ्यावा व मार्गदर्शन घ्यावे हा लेखकांचा विचार होता। लेकिन फिर भी उनके जो स्कूल के एक टीचर थे हनुमंतराव देशमुख ये इनसे उनको एडवाइस भी लेनी थी और उनको गाइडेंस भी लेना था। यही लेखक का विचार था कि उनसे गाइडेंस और एडवाइस लेकर ही वो आगे जाएंगे। अब ये सीधा आपकी कृति है। हिरमुसलेल्या लेखकाची समजूत घालताना रायगावकर सरांनी व्यक्त केलेले सकारात्मक विचार यानी कि जब उसको रेसलिंग बाउट में उसकी जाति के वजह से लेखक की जाति के वजह से उनको फाइट नहीं करने दिया तो वो काफ़ी उदास हो गए थे, तो उनकी उदासी दूर करने के लिए उनको क्या पॉजिटिव बातें यहाँ पे लेखक रायगावकर ने बताई रायगावकर सर ने। पहला है समाज अजून निद्रिस्ता है कि समाज जो अभी भी सोया हुआ है। खेळाच्या मैदानात जात न पाहता कौशल्य पहावे हे त्यांना नीट समजले नाही कि खेल के मैदान में कभी भी जात नहीं देखनी चाहिए किसी के बल्कि उसका स्किल देखना चाहिए। ये उन्होंने अच्छे से समझाया लेखक को। एक दिवस ऐसा येईल हे सारे नष्ट होईल और वो ये भी कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगे। तुम्हाला ही खेळात स्पर्धेत मनाने बोलावले जाईल तो तुमको भी तुम लोगों को भी खेलों में स्पर्धों में एकदम मान सम्मान के साथ बुलाया जाएगा। तो ये चार चीजें रायगावकर सर ने कहा था लेखक को। नाईक मास्तरांनी केलेल्या हितोपदेश। नाईक मास्टर ने क्या हितोपदेश किया? शिस्तीच्या दृष्टीस कसे वागावे कि डिसिप्लिनरी मैनर्स में कैसे बिहेव करने का, जीवनात आपली प्रगती कशी करावी और लाइफ में आगे कैसे बढ़ने का। या दोन शिक्षकांनी लेखकांना संस्कार दिले। कौन से दो टीचर्स ने लेखक को संस्कार दिए? श्री रायगावकर और श्री देशपांडे। लेखकाला कुस्त्यात मिळालेले इनाम। क्या क्या इनाम मिला है लेखक को कुश्ती में? खोबरे, नारळ, रुपया, पटका। अब ये क्वेश्चंस हैं। पुढील परिणाम ज्या घटनेचे आहेत त्या घटना लिहा। मतलब ये परिणाम यहाँ पे दिया हुआ है और ये किस घटना का परिणाम है वो घटना हमें लिखनी है। तो ये घटना मैंने नीचे आपको दे रखी है इसी वीडियो में, आपको मैं बताऊंगी इसके आगे। पहले परिणाम क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। हिरमुसले होऊन लेखक कुश्तीच्या मैदानात माघारी फिरले। फिर दूसरा है परिणाम लेखकाची मान खाली गेली होती। तो इसके मैं पहले आपको आंसर बता देती हूँ। अब जो पहला क्वेश्चन था हिरमुसले होऊन लेखक कुस्तीच्या मैदानातून माघारी फिरले, उसमें क्या घटना थी?
लेखक मैदानात कुस्ती खेळायला उतरले, परंतु त्यांची जात ओळखली म्हणून कोणी त्यांच्याशी कुस्ती खेळायला तयार होईना। फिर दुसरा है परिणाम, लेखकाची मान खाली गेली होती, तो क्यों? क्योंकि धुडवळीला, घटना क्या है, धुडवळीला प्रौढ साक्षरतेचे वर्गात तमाशाचा फड उभा केला, तेव्हा रायगावकर मास्तर अचानक वर्गात आले, तब उनके गर्दन जो है झुक गई थी उस वक्त का। क्वेश्चन है संपर्क उदाहरण लिहा को, तो क्वेश्चन है खेळात सुद्धा जात पात मानली जात असे, ये जो दिया गया है उसको हमें एग्जाम्पल देना है। लेखक बाहेर गावी कुस्तीचा फड पाहायला गेले होते, एका थोराड मुलाला कुश्ती खेळाव्यास प्रतिस्पर्धी सापडत नव्हता। मतलब ये किस चीज के लिए कहा गया है कि खेळात सुद्धा जातपात मानली जात असे, तो उसके लिए वो एक एग्जाम्पल यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो बताया गया है वो बताया है कि लेखक जो है बाहर गावी गया था एक बार कुश्ती का मैच देखने के लिए, तो वहां पर एक हट्टा कट्टा लड़का जो है कुश्ती खेलने के लिए एक प्रतिस्पर्धी यानी कि कॉम्पिटिटर ढूंढ रहा था। लेखक त्याच्याशी कुश्ती खेळायला तयार झाले, लेखक तयार हो गया उससे कुश्ती लढने के लिए, तेव्हा त्यांच्या जातीमुळे कुणी त्याच्याशी कुश्ती खेळायला तयार झाले नाही, लेकिन लेखक की जाति के वजह से कोई भी उनके साथ कुश्ती खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ। या उदाहरणावरून खेळात सुद्धा जातपात मानली जात असे हे सिद्ध होते, तो इसी एग्जाम्पल से हम ये सिद्ध कर पाते हैं कि खेलों में भी जातपात मानती है माने जाते हैं। फिर अब ये जो क्वेश्चन है हमारे चौकटी पूर्ण करा में पहला क्वेश्चन है उतार्यातून जाणवलेले लेखकाचे दोन स्वभाव वैशिष्ट्य, लेखक के दोन स्वभाव वैशिष्ट्य हमें बताने हैं सोशिकपणा आणि समंजसपणा। नेक्स्ट इज लेखक बाहेर गावी हे पाहायला गेले होते, क्या देखने के लिए गए थे, कुश्त्यांचा फड। नेक्स्ट या दिवशी प्रौढ वर्गात तमाशा झाला, कौन से दिन, शिमग्याच्या धुडवळीला। पुढील शब्दांच्या अर्थाचे उतार्यातील शब्द लिहा, अब यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं इनके मीनिंग वाले वर्ड्स वो पैसेज में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है मौसम, मौसम यानी हंगामा। नेक्स्ट इज देउळ, देउळ यानी मंदिर। झुंज, झुंज यानी लढ़त। श्रीफळ यानी नारळ। बक्षिसे यानी कि इनामे। भरभराट यानी कि प्रगति। झोपलेला निद्रिस्त। धुडवळ धूलिवंदन। ओके, संधि सोडवा, हितोपदेश, तो सबसे पहला है हित और फिर उपदेश। साक्षर, स प्लस अक्षर। उतारातील जोड शब्द लिहा, जोड शब्द हमें बताता है जात पात एक जोड शब्द है। फिर विशेषण है ओळखा। दोन राउंड, तो यहाँ पे दोन है विशेषण। थोराड मुलगा, थोराड विशेषण है। योग्य मार्गदर्शन, योग्य विशेषण है। प्राउड वर्ग, प्राउड आपका विशेषण है। अब ये आंसर्स हैं, आप देख लीजिए स्पेलिंग्स। अब वापस स्वमत आ गए हैं। विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासात शिक्षकांची भूमिका महत्वाची आहे या विधानाबाबत तुमचे मत सोदाहरण स्पष्ट करा। अब यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब पहले बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में टीचर्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है, उन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए है। तो ये जो लाइन यहाँ पे दी गई है इसके बारे में एग्जाम्पल्स के साथ में हमें एक्सप्लेन करना है इस चीज को। तो देखो आंसर है, लहानपणी शालेय वयात विद्यार्थ्यांची मने कोमल व अधिक संवेदनशील असतात। बचपन में जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस वक्त उनका जो मन है वो बहुत ही कोमल होता है और बहुत ही सेंसिटिव होता है, संवेदनशील, सेंसिटिव होता है। कोणत्याही गोष्टीचे त्यांच्या बालमनावर खोलवर ठसे उमटतात। किसी भी बात का, किसी भी इंसिडेंट्स का उनके मन पर बहुत गहरा असर होता है। खोलवर ठमे ठसे उमटतात यानी कि गहरा असर होता है। ते लवकर पुसले जात नाहीत, और ये असर इतना गहरा होता है ना कि वो जल्दी से हम उस चीज को निकाल भी नहीं सकते, भुला भी नहीं सकते। अशा निर्मल व निर्व्याज बाल मनातील विचार नेहमी परिवर्तनशील असतात। और ऐसे प्योर और जिसमें कोई क्या बोलते हैं, मिलावट नहीं है या कोई इम्प्योरिटी नहीं है, ऐसे जो बाल मन है, बच्चों का मन, उसमें हमेशा विचार जो है ना चेंज होते रहते हैं, परिवर्तन उनमें होता रहता है। घरातील माणसांपेक्षा त्यांच्या शिक्षकांवर जास्त विश्वास असतो। घर में जो इंसान है उनसे ही ज्यादा उनको भरोसा होता है टीचर्स के सिखाने पर। मुले शिक्षकांनी केलेला उपदेश सर्वात जास्त मानतात। टीचर्स के दिए हुए ऍडवाइसेस सबसे ज्यादा मानते हैं बच्चे। म्हणून चांगले शिक्षक बाल मनाला समजूत घेतात, त्यांना मुलांचे मानसशास्त्र व विशिष्ट मनःस्थिती चटकन कळते।
इसीलिए जो बोलते हैं ना, अच्छे शिक्षक जो है वो बच्चों के मन को समझ के लेते हैं, और उन बच्चों के जो मन का उन बच्चों के जो मन की स्थिति है और उनकी जो इम्पोर्टेंस है, विशिष्ट मनोस्थिति, एक स्पेशल उनका जो माइंड सेट होता है, वो टीचर्स को अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाता है। प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या मनाच्या ठेवणीप्रमाणे त्यांना समजून घेऊन ते संस्कार करतात। हर एक बच्चे के मन में कैसा उनका मन को टटोल कर, उनको समझ कर, और फिर उसके हिसाब से वो उनके अंदर एक एजुकेशन स्ट्रीमलाइन करते हैं, यानी कि उनके अंदर मैनर्स डालते हैं, डिसिप्लिन डालते हैं। जड़ो शिक्षक हा कस्बी कुंभारस्तो, तो जैसे कि मानो वो एक कुंभार है, पॉटर, जो एक मटके को शेप दे रहा है मिट्टी में से, वैसे ही वह तो मातीच्या गोळ्यांना आकार देतो है ना, मिट्टी के गोळे को आकार दे रहे हैं मटके का। अशा प्रकार विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासात शिक्षकांनी भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे, और इसी वजह से कहा गया है कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए टीचर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यातील नाते संबंधी विषयी तुमच्या संकल्पना स्पष्ट करा। अब यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच का क्या रिलेशन है वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। भारतीय संस्कृतीत गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें, इंडियन कल्चर की बात करें, तो यहाँ पर टीचर स्टूडेंट का रिलेशन जो है प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। पूर्वी गुरुकुल पद्धतित शिष्य गुरु ही राहुन अध्ययन करित असत। पहले के जमाने में गुरुकुल होता था, गुरुकुल में वहां पर एक पैटर्न होता था, जब बच्चे वहीं पर गुरुकुल में ही रहते थे, वो घर नहीं जाते थे, वो अच्छे खासे समय के लिए गुरुकुल में रहते रहकर सब कुछ सीखते थे। कालानुरूप शिक्षण पद्धति बदल हो गए, लेकिन समय के अनुसार शिक्षण पद्धति में भी चेंजेस आ गए, परंतु शिक्षक व विद्यार्थी यांचे ऋणानुबंध अजूनही मौल्यवान आहे। लेकिन शिक्षक आज भी, भले कितने ही चेंजेस आए टीचिंग वे में, लेकिन टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन तो आज भी वैसा ही है, एकदम वैल्यूएबल। शिक्षक हे विद्यार्थ्यांचे स्नेही आहेत, टीचर्स जो है वो स्टूडेंट के चाहने वालों में से है, मतलब उनका भला चाहने वालों में से है। ते विद्यार्थ्यांचे मनास मानस समजावून घेऊन त्याप्रमाणे विद्यादान करतात, आणि विद्यार्थी नम्र होऊन विद्यार्जन करतात। टीचर्स जो है बच्चों के मन की स्थिति को समझ कर उनको उनके हिसाब से एजुकेशन देते हैं, और बच्चे भी वो एजुकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, सीखते हैं। शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे नाते संबंध जिव्हाळ्याचे असतात। शिक्षक और टीचर और स्टूडेंट, इन दोनों के बीच का ही जो रिलेशन है बहुत ही क्लोज रहता है, जिव्हाळ्याचे असतात, बहुत ही क्लोज रहता है। म्हणून केवळ परीक्षार्थी नव्हे तर प्रत्येक पावलावर गुरुंचे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना लाभते। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ एग्जाम्स के टाइम पे ही नहीं, बल्कि हर एक समय पे गुरु का मार्गदर्शन एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वो उनको टाइम टू टाइम मिलते रहता है। अशा प्रकारे शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या नाते संबंधीची वीण घट्ट व प्रेममय आहे। इसी प्रकार शिक्षक और विद्यार्थी यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो नाते संबंधी है वो बहुत ही क्लोज है, स्ट्रॉन्ग है और प्यार से भरा हुआ है। तो इसी के साथ ही मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।